हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी, जो कि क्लास 12th का है, के चैप्टर 2 नमक का दारोगा के प्रश्नोत्तर की व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने नमक के दारोगा को इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा था, तो इसके क्वेश्चन आंसर की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एमसीक्यू। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, नमक विभाग के दारोगा के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? पंडित आलोपी दीन, बंसीधर, बदलू सिंह, वृद्ध मुंशी जी। तो नमक विभाग के दारोगा पद पर बंसीधर की नियुक्ति हुई थी। नमक की गाड़ियां किसकी थी? मुंशी बंसीधर की, पंडित जग प्रसाद की, पंडित आलोपी दीन की या बदलू सिंह की? तो नमक की गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की थी। पंडित आलोपी दीन को किस पर अखंड विश्वास था? शिवजी पर, राम जी पर, लक्ष्मी जी पर या हनुमान जी पर? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, लक्ष्मी जी पर। फोर्थ है, बंसीधर को पंडित आलोपी दीन ने कौन कौन से पद पर नियुक्त किया? स्थाई मैनेजर, दारोगा, जज या वकील? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, स्थायी मैनेजर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंसीधर किस विभाग के दारोगा थे? तो हमने चैप्टर का नाम भी है ये नमक के दारोगा, यानी बंसीधर नमक विभाग के दारोगा थे। बंसीधर ने पुल पर क्या देखा? तो बंसीधर ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार, एक लंबी सीरीज वाइज में कतार में, एक पंक्ति में एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है, और उन गाड़ियों को पुल के पार जाने से ही रोकने के लिए बंसीधर वहां गए थे। तो बंसीधर ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। थर्ड है, पंडित आलोपी दीन को किसने हिरासत में लिया? तो दारोगा बंसीधर के आदेश पर जमादार बदलू सिंह ने पंडित आलोपी दीन को हिरासत में लिया। बहुत सारे लोग इसमें लिखते हैं कि पंडित आलोपी दीन को बंसीधर ने हिरासत में लिया, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या होगा? दारोगा बंसीधर के आदेश पर, बंसीधर ने आदेश दिया था किसको? जमादार बदलू सिंह को। तो जमादार बदलू सिंह ने ही आलोपी दीन को हिरासत में लिया था। फोर्थ है, मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो मुकदमे में पंडित आलोपी दीन की जीत हुई पैसे के कारण। वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो वंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। वो यात्रा करना चाहते थे, उनके माता पिता, उनकी माता जगन्नाथ और रामेश्वर की, पर वो नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाए? वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाए? क्योंकि फूले न समाए मतलब क्यों इतना ज्यादा वो प्रसन्न हो गए? मुंशी जी के पुत्र अच्छे शकुन से घर से निकले थे या चले थे, जाते ही जाते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। वो नमक विभाग के दारोगा के लिए चुने गए। अच्छा वेतन और अच्छी उपरी आय, इसी बात को उसके पिताजी जो मुंशी जी थे वो सोच रहे थे, अच्छा वेतन और अच्छी उपरी आय। वृद्ध मुंशी जी को जब यह सुखद संवाद मिला, जब यह सुखद समाचार मिला, तो वो फूले न समाए। सेकेंड क्वेश्चन है, वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए?
वंशीधर रात को क्यों गए थे? क्योंकि वंशीधर का ऑफिस जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। वंशीधर का जो ऑफिस था वो नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में वंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनकर, जो गाड़ियों की गड़गड़ाहट थी, जो मल्लाहों का कोलाहल शोर होना, ये सुनकर वो उठ बैठे। उन्हें लगा कि इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं। वो कारण जानना चाहते थे कि इतनी गाड़ियां आखिर इतनी रात में ही नदी के पार क्यों जा रही है। अवश्य कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए वंशीधर रात को जमुना नदी पर पहुंच गए। थर्ड क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दिन को क्यों हिरासत में लिया गया? क्या रीजन था, क्या कारण था उनको हिरासत में लेने का? तो नमक के दारोगा वंशीधर ने पंडित आलोपी दिन की नमक की गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्हें रोक दिया था। जब रात में गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज हुई तो वंशीधर को लगा कि कुछ तो जरूर गोलमाल है और वो वहां गए। तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो पंडित आलोपी दिन की नमक की गाड़ियां जा रही थी उन्हें वंशीधर ने रोका। पंडित आलोपी दिन ने उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि पैसे ले देकर आप इसे भूल जाइए, निपटा दीजिए। पर वंशीधर किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से उन्हें हिरासत में लिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? तो अदालत में अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी, जो कर्मचारी है वो पंडित आलोपी दिन के भक्त थे। क्यों? क्योंकि पंडित आलोपी दिन जो है वो पंडित आलोपी दिन बहुत ही वहां के जाने माने रईस व्यक्ति थे। सबको ताज्जुब हो रहा था कि वे कानून के पंजे में आए कैसे, इतने बड़े व्यक्ति को पकड़ा कैसे गया। अदालत तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई। एक से एक वकील उनके लिए तैयार हो गए, उनके मुकदमे को लड़ने के लिए। वंशीधर के गवाह लोभ से डवाडोल थे। वंशीधर के जो थोड़े बहुत गवाह थे, जो विटनेस थे, वो लोग भी पैसे के कारण इधर उधर अपना दल बदल रहे थे। सभी कर्मचारी आलोपी दिन का पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया, इसलिए वंशीधर की हार हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि पैसे के कारण लोग कैसे एक दूसरे को दबा कर रखते हैं, एक दूसरे का मान हो जाता है पैसे के कारण। तो इसमें भी कैसे उनको पकड़ा गया, कैसे सारे लोग, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक के लोग, सब उनसे मिले हुए थे। किनसे? आलोपी दिन से। अंत में लेकिन डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में, मतलब फैसला में, निर्णय में पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए, उसके अगेंस्ट दिए गए जो भी प्रमाण थे उसे निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया कि ये भ्रम फैलाने वाला है, ऐसा सही नहीं है, बिना मूल के है, कोई बिना बेस के है, बिना आधार के है, इसलिए वंशीधर की हार हो गई। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार 5-6 वाक्यों में लिखिए। पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का, कैसे थे वो? तो पंडित आलोपी दिन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लंबा चौड़ा व्यापार था। वे बड़े चलते पुरते या चलते पुरजे आदमी थे, बहुत ही फेमस थे। अफसरों अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था। कर्ज से
हर किसी को अलोपिन ने पैसे खिलाए हुए थे। अपने सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक था। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे संसार ही नहीं, स्वर्ग पर भी लक्ष्मी जी का राज्य होने की बात करते थे। वे न्याय और नीति सबको लक्ष्मी जी के खिलौने मानते थे। संसार में ही नहीं, मतलब सिर्फ दुनिया में ही पैसे का राज नहीं है, बल्कि स्वर्ग में ही लक्ष्मी जी का ही राज चलता है। लक्ष्मी के सामने वे सरकार और सरकारी आदेश के कोई महत्व नहीं देते थे, उनको कोई महत्व नहीं देते थे। वे अपने प्रभाव के बल पर अदालत का न्याय भी अपने पक्ष में करवा सकते थे, और कार्य सिद्ध होने पर या कार्य पूरा होने पर स्वजन बांधर्व को रुपए लुटाना उनका शौक था। अगर उनका काम पूरा हो जाता था तो उनके अपने रिलेटिव्स पर, उनके कार्य को जिन्होंने सिद्ध किया है उनके ऊपर वे बहुत ही खुशी पूर्वक रुपए लुटाते थे। तो इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व था। नेक्स्ट है, पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया था? क्या रीजन था, क्या कारण था नियुक्त करने का? तो पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो सोचते थे कि पैसे देकर वो किसी को भी अपने साथ में मिला सकते हैं। वे लक्ष्मी जी के बल पर कोई भी काम करवा लेने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उनकी इस मान्यता को तोड़ा था मुंशी बंसीधर ने। मुंशी बंसीधर ही पहले व्यक्ति थे जो कि नमक के दारोगा थे। वो ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आलोपी दिन को पकड़ने की, हिरासत में लेने की हिम्मत की थी। पंडित आलोपी दिन ने अपनी नमक से भरी गाड़ियों को छोड़ने के लिए वंशीधर से 40,000 रुपए तक के घूस का प्रस्ताव किया, मतलब पैसे देने के लिए राजी किया। पर वंशीधर ने एक सच्चे और कर्तव्य परायण अधिकारी की तरह उनके प्रस्ताव को ठुकरा कर पंडित आलोपी दिन को हिरासत में ले लिया गया। वंशीधर जो कैसे थे, वो एक सच्चे व्यक्ति थे, एक सच्चे इंसान थे, कर्तव्य परायण, अपने कर्तव्य को, अपने काम को वैल्यू देने वाले, महत्व देने वाले अधिकारी थे, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। पंडित आलोपी दिन को पहली बार, पहली नहीं, पहली बार ऐसा आदमी मिला था जिसने धर्म को पैसे से अधिक अहमियत दी थी। पंडित आलोपी दिन ने अपने जीवन में उन्हीं व्यक्तियों को देखा था, उन्हीं लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी जो पैसे खाकर, पैसे लेकर, घूस लेकर हर काम को कर देते थे। लेकिन मुंशी वंशीधर पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने धर्म को पैसों से अधिक अहमियत दी थी, वैल्यू दिया था, महत्व दिया था। पंडित आलोपी दिन को सच्चे आदमी की पहचान थी। उन्हें अपनी जायदाद की व्यवस्था करने के लिए वंशीधर एक उपयुक्त व्यक्ति लगा। अपने जायदाद के लिए वंशीधर अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है, ऐसा आलोपी दिन को लगा। इसीलिए उन्होंने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया गया, नियुक्त किया क्योंकि उनको उनकी सच्चाई पर, उनकी कर्तव्य परायणता पर पूरा विश्वास हो गया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा विद क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।